हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं विशाख रिफाइनरी का जो है आंसर के। और इसमें जो है अभी जो है टाइम है हम लोगों के पास कि कौन सा क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन हमें करना है और जो है इसमें से पहचानना है कि कौन सा अभी जो है इसमें जो आंसर की मिली है वो उसमें जो है कौन सा क्वेश्चन ऐसा है कि जो है एक तरह से सोल्यूशन जो है उसका सही नहीं। तो उन सारे क्वेश्चनों को पहचानेंगे और जो है देखेंगे कि किस क्वेश्चनों में ऑब्जेक्शन करने लायक है किस में नहीं है। तो वो पहले आप ध्यान से देख लीजिए और जिसमें जो है जिस क्वेश्चन का आंसर जो है कंफ्यूजन वाला है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेगा और उस पर थोड़ा चर्चा करके जो है हम लोग एक तरह से ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में जो है वही प्रीपोजिशन भरने को आया था कि द गर्ल हु सेट, तो ये जो है बिसाइड, इसका करेक्ट आंसर है बिसाइड हिम वाज हर डॉटर। तो इसमें ये क्लीन एकदम करेक्ट है, इसमें कोई वो नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर, तो नाइट्रोजन, ये भी करेक्ट है, इसमें भी कुछ नहीं कर सकते। तीसरा है एलायंस, एलायंस का अपोजिट पूछा था, तो एलायंस का मतलब वही होता है गठबंधन, तो एक तरह से डिवोर्स, ये भी इसमें भी कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है विंबलडन ट्रॉफी जो है किससे रिलेटेड है, किस स्पोर्ट से, तो ये भी टेनिस है, इसमें भी कुछ नहीं कर सकते। कि जो है रीजनिंग का ये क्वेश्चन है कि जे किसी कार्य को 78 दिन में पूरा करता है, के उसी कार्य को 81 दिन में पूरा करता है, यदि दोनों एक साथ काम करें तो पूरा काम कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा, तो ये भी एक तरह से करेक्ट है। 39 अपॉन 53 है ना। नेक्स्ट है शीतकालीन ओलंपिक जो है इन विच कंट्री द विंटर ओलंपिक गेम्स 2022 वाज हेल्ड, तो ये भी एक तरह से चाइना है, इसमें भी कुछ नहीं कर सकते। इसकी भी जो है रीजनिंग में जो है लोकेट को जैसे PMDUB लिखा है तो वैसे ग्राफ को कैसे लिखा जाएगा, तो ये भी एक तरह से करेक्ट है, इसमें कुछ नहीं कर सकते। राजेश इज ए, इसमें आर्टिकल यूज करना था, तो ए इसका करेक्ट है, इसमें भी कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट है चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस इन सिमिलर वर्ड, तो डॉग्ड का जो है एक तरह से सिनोनिम पूछा है, तो डिटरमाइंड, ये भी सही है। नेक्स्ट है कौन सा ब्रिटिश सेना अधिकारी जलियांवाला बाग हत्याकांड का जिम्मेदार था, तो जनरल रेजिनाल्ड डायर जो है, ये भी एक तरह से सही है। मैथ का भी ये जो है क्वेश्चन एकदम करेक्ट है दोस्तों कि एक रेलगाड़ी एक से वाई तक 176 किलोमीटर पर हवा घंटे की चाल चलती है तो 300 मिनट देरी से पहुंचती है, यदि वह 187 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है तो 300 मिनट जल्दी पहुंचती है, तो एक्स और वाई की दूरी क्या होगी, तो ये भी एक तरह से सही है। नेक्स्ट रेड क्लिफ लेखा, तो ये भी जो है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में है और कह रहा है कि पाइप एक टैंक को 160 मिनट में भर सकता है, पाइप बी उसी टैंक को 192 घंटे में भर सकता है और पाइप सी उस टैंक को 240 घंटे में भर सकता है, यदि तीनों पाइप पहले 32 घंटे के लिए एक साथ खोल दिए जाते हैं और फिर पाइप बी को बंद कर दिया जाता है तो टैंक का शेष भाग पाइप ए और पाइप बी द्वारा कितने घंटे में भर जाएगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है डी दिया है, तो इसको भी चेक कर लीजिएगा, मैंने चेक किया तो ये सही है। ये भी है क्वेश्चन नंबर 14 भी एक तरह से सही, इसका भी आंसर है ना। नेक्स्ट है इसमें अंडर रूट 106 माइनस अंडर रूट का 45, अंडर रूट 79 प्लस अंडर रूट 4 का, ये भी एक तरह से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की एक दुकानदार जो है 10,700 में एक वस्तु खरीदता है, उसे 10% की हानि पर बेचता है, उस पैसे से वह एक और वस्तु खरीदता है और 10% के लाभ पे बेचता है, तो कुल हानि या लाभ कितनी है, तो ये भी एक तरह से करेक्ट है। विच इस द स्मॉल कंट्री, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो दोस्तों ये भी करेक्ट ऑप्शन जो है ऑस्ट्रेलिया, ये भी सही है। नेक्स्ट ही हैज डाउन एट हिम एज सिग्नल्ड द फायर, तो ये बिसाइड है, इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट विच आर द फॉलोइंग स्पेल्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, तो इसमें जो है करेक्ट स्पेल्ड जो है किसकी है, रिबोस्ट की है, रोबोस्ट की, एक तरह से ये भी सही है। नेक्स्ट ये M13O18Q23 इसके आगे जो है S28, ये भी बहुत करेक्ट जो है सीरीज बनाया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट एवरेज पूछा था कि 10 डेटा का एवरेज 59.5 है, इसमें पहले 3 डेटा का औसत 56 और अगले 4 डेटा का औसत 66 है, यदि 8वां डेटा 9वें डेटा से 12 कम है और 10वें डेटा से 7 कम है तो 8वां डेटा ज्ञात कीजिए, तो इसका जो है 48 करेक्ट है। नेक्स्ट चरण अपनी बचत का 19% वृद्धाश्रम को
जो है, और बचत का 20% अनाथाशालय को, और बचत का 21% जो है चिकित्सा सहायता के लिए फाउंडेशन को दान करता है। बचत की शेष राशि जो है 9600 बैंक में जमा कर दी गई। तो यदि वेतन का 60% उठ के बचत राशि है तो वे चरण का वेतन ज्ञात कीजिए। तो ये भी ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे तो इसका 40,000 एक तौर से आंसर आएगा। नेक्स्ट हमारा ये फार्मूला बेस है जिसका आंसर करेक्ट 4 आएगा, इसमें भी कोई वो नहीं है। और जो है फाइंड ओड इमेज इसका भी जो है एकदम करेक्ट है, तो उसमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो ऑप्शन नंबर जो है एक और सी आएगा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर जो है एक तरह से सी। ठीक है, नेक्स्ट है जो पीवी सिंधु पूछा था कि क्या है, तो वो जो है बैडमिंटन प्लेयर है। नेक्स्ट है एक फेमस को जैसे AFOMUSU लिखा जाता है, तो उसे लीजेंड को कैसे लिखा जा सकता, तो ये भी एक तरह से करेक्ट है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डिमोलाइज का जैसे कंस्ट्रक्शन का रिलेशन है, वैसे इंडिविजुअल का क्या होगा, तो ये फेमिलियर का हो जाएगा एक तरह से, है ना, वो उल्टा एक तरह से है एक दूसरे के। नेक्स्ट इस ये जो है एक मैथमेटिकल जो है ब्लड रिलेशन था कि A+B का मतलब ए इज़ मदर ऑफ बी, A-B का मतलब कि ए इज़ फादर ऑफ बी, और ए मल्टीप्लाई बी का मतलब जो है कि ए इज़ वाइफ ऑफ बी। तो ए बाई बी का मीन क्या है, जो है इसका मतलब है कि ए इज़ द हस्बैंड ऑफ बी। तो इसमें कह रहा है कि विच निम्नलिखित को पढ़िए, और विच ऑफ द फॉलोइंग सो द टी इज़ सन इन लॉ ऑफ आर। तो जो है सन इन लॉ इसमें आपको पता करना है टी टी हमारे इसमें कौन सा रिलेशन आपको मिल रहा है। तो ये जो है करेक्ट ऑप्शन ए उसका आएगा, R-S × T है। नेक्स्ट है इसमें जो है नंबर सीरीज है, तो इसमें भी जो है जोड़ोगे तो 9 आएगा, बाकी इसको भी जोड़ोगे तो 9 आएगा, इसको जोड़ोगे 3 3 6 2 8 और जो है 2 10 है, 2 2 4 और 6 4 10, तो बाकी जो 10 किसमें है 2 5 3 में, ये भी करेक्ट है। ये जो है कैलेंडर का भी क्वेश्चन सही है दोस्तों। और ये वैसे ए की वैल्यू दे रखा है, बी की वैल्यू दे रखा है, इसकी वैल्यू पता करना था, तो भी एक तरह से करेक्ट है। नेक्स्ट 123 खिलाड़ी कबड्डी टीम का औसत जो है 73 है, और यदि प्रबंधक के वजन को शामिल कर लिया जाए तो औसत में 1 kg की वृद्धि हो जाएगी। तो ये भी एक तरह से प्रबंधक का वजन ज्ञात करना है, तो पहले जो है औसत 123 × 73 का निकालेंगे, उसके बाद प्रबंधक यानी कि अब नंबर ऑफ संख्या 74 हो जाएगी, और इधर खिलाड़ियों की संख्या में 1 की वृद्धि हो जा रही है तो औसत में, तो वो निकालेंगे, तो ये भी एकदम करेक्ट है, इसमें कोई वो नहीं है। नेक्स्ट है पूछा था कि जो है नियरली द अपोजिट मीनिंग, अपोजिट पूछा था किसका, डिक्लाइमेट का, तो इसका बिल्ड जो है। नेक्स्ट है यदि कोई व्यक्ति 79 किलोमीटर पर आवर के बजाय 83 किलोमीटर पर आवर की चाल से गाड़ी चलाता है, तो वह 124 किलोमीटर की दूरी तय कर पाता है। जब वो 83 किलोमीटर पर आवर की चाल से गाड़ी चलाता है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, तो इसका भी 2573 ये भी आ रहा है। नेक्स्ट है कह रहा है कि इसमें जो सूटेबल जो है आर्टिकल बनना है कि आई ओन अ कार आएगा या द कार आएगा या इन कार आएगा या कोई आर्टिकल यूज नहीं होगी, तो ये भी जो है आई ओन अ कार आएगा, इसमें करेक्ट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है 3 किलोमीटर चलने के बाद एक लड़का बाईं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, फिर 13 किलोमीटर चलता है, यदि अंत में वो दक्षिण की दिशा में वह मुख खड़ा करके है तो पहले 3 किलोमीटर किस दिशा में चला था, तो ये नॉर्थ आएगा, इसका बनाएंगे डायग्राम, तो ये भी सही है। एक ये टेम्परेचर में सब काटता जा रहा है तो पूछ रहा है कि अगला पद क्या होगा, तो ये भी सही है ऑप्शन नंबर बी। और ये भी सही है करेक्ट कि इफ़ 20% ऑफ 460 इज एक्स लेस देन 40% ऑफ 570 फाइंड द एक्स, तो डेसिमल में इसका निकालना है, तो ये एक तरह से सही है, चूज ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा ये जो है दे रखा था सॉल्यूशन, इसका जो करेक्ट आंसर निकालना है, तो इसका 1024 आएगा। नेक्स्ट है हमारा इसमें जो है कह रहा है कि इनकम्ब्रेंस का जो है एक तरह से जो है सिमिलर यानी कि जो है एक तरह से आपको सिनोनिम इसका पता करना था, तो बर्डन उसका आएगा, ये भी एक तरह से सही है। इसमें से कह रहा है कि इसमें जो है
ओड मीन आउट आपको करना है कि PTNRJNLOUY इसमें से कौन जो है इनकरेक्ट है, मतलब कौन सा जो है समूह से संबंधित नहीं है, तो LO आएगा, बाकी सारे सही हैं। ये भी एक तरह से कहीं सही है, इसमें कुछ भी वो नहीं है। ये जो है RBI जो पूछा था, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो ये भी एक तरह से सही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही है। नेक्स्ट है एक जो है ब्लड रिलेशन का है कि एक आदमी ने कहा वो मेरी पत्नी के इकलौते बेटे की इकलौती बेटी है, ठीक है, तो यह भी सही एक तरह से कि उसका जो है ग्रैंड डॉटर है ना। नेक्स्ट है ये अनुक्रम वाला था, तो इसमें एक दूसरे जो है चेंज करते जाओ, कह रहा कि यदि संख्या इतने में सभी भी संख्याओं की 3 में वृद्धि की जाए और सभी सम संख्याओं में 3 की कमी जाए, फिर नए संख्या अनुक्रम में आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए, तो दाएं से चौथा अंक क्या होगा, तो ये भी सही है, 6 होगा। नेक्स्ट है इसमें जो है कह रहा है कि इसमें ओड मीन करना है, तो अंडर साइज मतलब बौना होता है, मिनिएचर मतलब बौना होता है, डवार्फ मतलब बौना होता है, तो जेंट का मतलब भी बौना होता है, ये भी सही है। और नेक्स्ट है फाइंड द विच ऑफ द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, तो रिसेप्टिव ये जो है करेक्ट टेंस वर्ड है, और इसमें भी कुछ नहीं कर सकते। ATM का फुल फॉर्म पूछा था, तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये भी एक तरह से करेक्ट है। ये जो है कह रहा है यदि 16 अप्रैल 2025 की तारीख पर बुधवार आता है, तो 27 अप्रैल 2125 की तारीख का सप्ताह का कौन सा दिन आएगा, तो फ्राइडे आएगा, ये भी सही है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य क्या है, तो राजस्थान है। नेक्स्ट है एक महिला पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलती है, दाएं मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलते, फिर दाएं मुड़ती है 1 किलोमीटर चलते, फिर वो जो है उत्तर की ओर 9 किलोमीटर चलती है और दाएं मुड़ती है और 9 किलोमीटर चलते, फिर वो दाएं मुड़ती है और 7 किलोमीटर चलती है, तो आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो ये 13 किलोमीटर, ये भी करेक्ट है दोस्तों। एक और ये क्वेश्चन है, कह रहा है मान लीजिए जो है कार्बोहाइड्रेट को कह रहा है कि शब्द के पहले और दूसरे अक्षर के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं, साथ ही तीसरे और चौथे अक्षर आपस में बदल दिए जाते हैं, पांचवें और छठे अक्षर आपस में बदल दिए जाते हैं, इस प्रकार अगले अक्षरों के स्थान भी आपस में बदल दिए जाते हैं, तो इस प्रकार बने नए शब्द में बाएं से छठा शब्द कौन सा होगा, तो ये जो है करेक्ट ऑप्शन सही है, ओ होगा। ये जो है जब टरबाइन जो है ब्लेड से पहुंचती है, तो टरबाइन ब्लेड को गतिमान करने के लिए कौन सी उत्तरदायी बल होता है, तो एक्सियल फोर्स, ये भी सही है। व्हाट टाइप ऑफ कूलिंग सिस्टम इन यूज इन लार्ज पावर प्लांट, तो ये कूलिंग टावर ही होते हैं। नेक्स्ट है ट्यूब पिच क्या है दोस्तों, तो ये भी सही है कि सम ऑफ द ट्यूब डायमीटर एंड द क्लियरेंस, सम है, योग है। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ जो यूनिट लेटरल स्ट्रेंथ टू द यूनिट एक्सियल स्ट्रेंथ इज कॉल्ड, तो उसे पॉइजन रेशियो कहते हैं। नेक्स्ट NMTD करेक्शन फैक्टर किस हीट एक्सचेंजर के अप्लाई होता है, तो ऑल मल्टीपास हीट एक्सचेंजर, ये भी सही है। कह रहे कि विच इंस्टीट्यूट डेवलप द स्टैंडर्ड PPs बाई रिकमेंड ऑफ OSHA, तो ये जो है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ये जो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑफ यूज रेडिएशन हजार्ड्स, तो पर्पल इसका सही है, ये भी है। इसमें लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि फंक्शन ऑफ बटरफ्लाई वाल्व, इसमें जो है बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि यार इसमें जो है ऑन ऑफ जो होगा, ऑन ऑफ कंट्रोल होगा, यानी कि फुली ओपन या फुली क्लोज, और इसका जो है वो रीजन भी बता रहे हैं कि सर हमारे यहाँ जो प्लांट लगा है, जैसे DM प्लांट हुआ, RO प्लांट हुआ या कहीं भी, तो उसमें जो बटरफ्लाई जो वाल लगे हैं, तो उसमें जो है वो फुली ओपन रहते हैं या फुली क्लोज रहते हैं, उनकी कंट्रोलिंग जब हम करते हैं तो वो टूट जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं, ऐसे करके उन्होंने रीजन बताया था, फ़ोटो भी भेजे थे कि फुली ओपन फुली क्लोज ही हमारे यहाँ रहता है। लेकिन एक चीज़ और है कि कुछ जैसे फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में जो है एक तरह से व्हील ऑपरेटेड हमारा जो है बटरफ्लाई वाल लगाए जाते हैं, और जिनको एक तरह से एज ए हम जो है फ्लो रेगुलेशन के लिए भी करते हैं, मैक्सिमम जगह उसका फ्लो जो है रेगुलेशन के लिए भी उसका यूज है, तो ये भी काफ़ी हद तक सही है। बाकी क्या है आपकी क्या सोच है, ऑन ऑफ कंट्रोल होगा या फ्लो रेगुलेशन होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे ग्लोब वाल
या ग्लोब वाल्व कह दे, निडल वाल्व कह ले, तो वहाँ पे फ्लो को रेगुलेट कर सकते हैं हम लोग। लेकिन बटरफ्लाई वाल्व भी इस समय मॉडिफाई हो के आ गए हैं, तो एक तरह से ये भी रेगुलेशन कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे जगह है फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में और कई जगह पे जहाँ पे हम बटरफ्लाई वाल्व का एक तरह से रेगुलेशन की तरह कर सकते हैं, तो ये भी सही है। बहुत लोग इसको उसमें ले रहे हैं कि इस पे लगाया जाए, लेकिन देख लीजिएगा आपका क्या कहना है। एयर वसेल जो है, एयर वसेल रेसिप्रोकेटिंग पम्प में भी जो है कुछ लोग कह रहे हैं कि जो ये करेक्ट ऑप्शन जो है स्मूथ द फ्लो, इस फ्लो को एकदम स्मूथ रख रहा है, तो ये भी उतना सही नहीं है। बाकी ये जो करेक्ट ऑप्शन है रिड्यूस द एक्सलरेशन एट, ये काफ़ी हद तक सही है। नेक्स्ट, हाउ डज आउटसाइड एयर इंटर इन वेट कूलिंग सिस्टम, तो जो है दोस्तों लूवर्स ही सही है, उसमें ब्लोअर वगैरह कुछ नहीं है, वो सही है एकदम। थर्मल एफिशिएंसी ऑफ स्टीम टरबाइन, ये क्या है, हाइयर होती है किसके कंपेयर, स्टीम इंजन के, है ना। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंप्रेसर इम्प्लॉय इन एरोप्लेन, ये भी एक्सेल फ्लो जो है कंप्रेसर, ये भी सही है। नेक्स्ट, फार हाई कन्वर्जन इन हाईली एक्जोथर्मिक सॉलिड कैटालिक रिएक्शन, तो उसमें जो है बेड कौन सा जो है रिएक्टर यूज होता है, तो उसमें जो है फ्लोराइड बेड रिएक्टर फॉलोइड बाई फिक्स बेड, ये होता है, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ रिएक्टर ही यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ मटेरियल, तो ये भी बैच रिएक्टर है, ये भी सही है। नेक्स्ट, विच ट्यूब अरेंजमेंट इन हीट एक्सचेंजर वुड फैसिलिट इन हाइगेस्ट हीट ट्रांसफर रेट, तो ये दोस्तों ट्रेंगुलर पिच। नेक्स्ट, NPSS यूज टू डिटरमाइन केविटेशन, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट, द फ्लो मीटर विच इज रिप्लेस द डिफरेंशियल प्रेशर मीटर अप्लाई अप्लीकेबल टू, तो ये जो है वोल्टेज सेटिंग फ्लो मीटर, ये सही है, क्योंकि मैग्नेटिक में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, अल्ट्रासोनिक में अल्ट्रासोनिक वेव की काउंटेबल होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग में ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी फ्लूड रखेगा, लेकिन प्रेशर डिफरेंस बस ऑप्शन नंबर डी में है। फाउलिंग फैक्टर क्या है दोस्तों, तो ये डर्ट फैक्टर, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट, आर्क वेल्डिंग कम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग टाइप, तो ये जो फ्यूजन वेल्डिंग में आती है, ये करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला यूज टू कैलकुलेट होप स्ट्रेस इन अ सेल, तो होप स्ट्रेस का PD/2T, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक द डैश मूव लेफ्ट दस क्रिएट वैक्यूम, तो क्या मूव करता है उसमें, तो पिस्टन, ये भी इसमें कुछ नहीं सोचना है। नेक्स्ट, द आयोनाइजेशन गेज इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ, तो दोस्तों इसमें वेरी लो वैक्यूम प्रेशर एक तरह से होता है, ये मेजर करता है, इसमें भी कुछ नहीं कह सकते। एन एक्जोथर्मिक रिएक्शन टेक प्लेस इन एडियाबेटिक रिएक्शन, द प्रोडक्ट टेम्परेचर जो है हमेशा क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन होगा किसके, फीड टेम्परेचर के। नेक्स्ट, NPSS में क्या क्या डिफरेंस है किसके बीच में, तो सक्शन प्रेशर और वेपर प्रेशर, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग इज चीपेस्ट फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट, ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो है मुझे भी कंफ्यूज कर रहा है, क्योंकि जो है अगर फिल्टर की बात करें मेम्ब्रेन फिल्टर की, तो मेम्ब्रेन फिल्टर जो है आपको 600 रुपये से लेके 800 रुपये से लेके जो है 8,000 से लेके 20,000, लेकिन वो वाले जो है मेम्ब्रेन फिल्टर की बात करें, तो मेम्ब्रेन फिल्टर में अगर आप जाके बस प्राइस चेक कर लो, गूगल पे जाओ और प्राइस चेक कर लो जो है मेम्ब्रेन फिल्टर की, तो भैया एकदम लोवेस्ट जो है 500-800 तक के भी मिल जाएंगे, नहीं तो जो है 8,000, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 ऐसे में मिल जाएंगे, ठीक है। ओनली मेम्ब्रेन फिल्टर, वो मेम्ब्रेन फिल्टर जो रिवर्स ऑस्मोसिस में जो है लगे होते हैं, RO प्लांट में जो लगे होते हैं, वो मेम्ब्रेन फिल्टर की बात हो रही है। और एक मेम्ब्रेन फिल्टर एक और चीज़ है, क्या है दोस्तों, जैसे ऑयल इंडस्ट्री जो होती है, एक तरह से मैंने एडिबल ऑयल इंडस्ट्री में काम किया, तो वहाँ पे जैसे प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर यूज करते हैं जो है ऑयल से जो है पार्टिकल को रिमूव करने के लिए, सॉलिड पार्टिकल को, तो वैसे मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन की साइज इतनी होती है कि उसमें से बस ऑयल के मॉलिक्यूल ही पास कर जाएँ, उसके अलावा जो पार्टिकल हैं वो तुरंत जो है छन जाते हैं। तो वो जो मेम्ब्रेन फिल्टर है उस केस में, किस केस में, जो ऑयल के फिल्ट्रेशन करते हैं, जैसे सरसों का तेल हुआ, सनफ्लावर हुआ, या ग्राउंड ऑयल हुआ, ग्राउंड नट ऑयल हुआ, मूंगफली का तेल वगैरह, इन सब की जो फिल्ट्रेशन हम करते हैं, तो उसमें जो है
मेम्ब्रेन फिल्टर जो है एक होता है, और वो जो है ऑयल को फिल्टर करता है, जैसे प्रेस एंड फिल्टर करता है या कंटिन्यूस रोटरी वैक्यूम फिल्टर करता है, वैसे ये भी बस ऑयल को फिल्टर करता है। तो ऑयल को फिल्टर करने के लिए जो मेम्ब्रेन फिल्टर यूज की जाती है वो बहुत ही कॉस्टली होती है। लेकिन कब जो जब ऑयल का फिल्ट्रेशन करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर नॉर्मल मेम्ब्रेन फिल्टर की बात करें, जो वाटर की जो फिल्ट्रेशन होती है, जैसे आर ओ प्लांट में लगे होते हैं मेम्ब्रेन, तो अगर वाटर के केस में अगर फिल्टर की बात करें मेम्ब्रेन फिल्टर की, तो वो चीपेस्ट पाए जाएंगे, बहुत ही सस्ते। प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर, ये जो करेक्ट ऑप्शन बताया है, इसके जो है बहुत ही कम, ये 50,000 का मिलेगा आपका, तो ये जो है आपको 8,000 या 20,000 में मिल जाएंगे। किस केस में? वाटर की मेम्ब्रेन की बात हो रही है, वाटर को फिल्टर करना है तो। लेकिन अगर जो वाटर को छोड़ दो, ऑयल को फिल्ट्रेट करना है, तो वहाँ पे जो फिल्टर यूज होगा वो जो है दोस्तों एक तरह से बहुत ही महंगा होगा। मेम्ब्रेन फिल्टर जो होता है वो मलेशिया वगैरह से आता है, तो वो महंगा होते हैं। वो ऑयल को फिल्ट्रेट करने के लिए जो है, ये अगर मेम्ब्रेन फिल्टर का ये उस टर्म में कह रहा है तो ये करेक्ट आंसर है, नहीं तो रॉ वाटर के केस में कर रहा है तो भाई ये गलत है, 100% गलत है, आप चेक कर सकते हो गूगल पे। नेक्स्ट है इन एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन, तो रिलेटिव वोलेटिलिटी ये सही है कि रिमेन लो यानी कम होती है। नेक्स्ट है द फ्लूड कमिंग इनटू द सेंट्रीफ्यूगल पंप एक्सेलरेट बाय, तो इंपेलर से होते हैं, ये भी करेक्ट है, इसमें कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है द प्रेशर दैट यूज टू कैलकुलेट द मिनिमम थिकनेस ऑफ वेसल इज कॉल्ड, तो उसे डिजाइन प्रेशर कहेंगे, एक तरह से ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग मीटरिंग इंस्ट्रूमेंट इज अ एरिया मीटर, एरिया मीटर में भी रोटा मीटर है, इसमें कुछ नहीं कर सकते, सही है। नेक्स्ट है इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लानिंग गाइडलाइन ERPG फॉर एयर कंटेमिनेट वाटर इशू बाई, तो दोस्तों ये जो है ये है अमेरिकन इंडस्ट्रियल हाइजेनिक एसोसिएशन AIHA, ये जो है ये भी चूज ऑप्शन और करेक्ट ऑप्शन, ये भी सही है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ दिस थर्मोमीटर इज पोर्टेबल एज ए सिंपलेस्ट यूज, तो ये है दोस्तों मर्कली इन ग्लास थर्मोमीटर, ये भी सही है, इसमें भी कुछ नहीं सोचना है। कि इन वाटर कूलिंग सिस्टम द पंप सर्कुलेशन सिस्टम विच इज फॉलोइंग पंप, तो जो है सेंट्रीफ्यूगल पंप में ही पंप जो है वाटर का सर्कुलेशन करा सकते हैं, एक तरह से ये भी सही है, इसमें भी कुछ नहीं है। द डेंसिटी ऑफ वाटर तो वन होते हैं, इसमें भी कहीं कुछ नहीं है। प्रेस इसमें कह रहा है विच ऑफ द फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट ऑफर मैक्सिमम प्रेशर ड्रॉप, तो प्रेशर एंड लीफ फिल्टर में जो है दिया है, और एक बुक में भी मैंने चेक किया, रीचेक किया, तो ये यही है ना। बाकी जो है इसमें भी लोग कंफ्यूज हैं कि प्लेट और फ्रेम फिल्टर होना चाहिए, लेकिन जो है बुक में मैंने देखा तो इसे ही करेक्ट ऑप्शन माना है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, वहीं सही है। इंडियन स्टैंडर्ड ये जो है, तो ये जो है अनफायर्ड प्रेशर वेसल के लिए है, ये भी सही है। इन विच सिस्टम इज कूलिंग ऑफ हॉट वाटर डन इन ट्रे एज स्टेप बाय, तो दोस्तों ये जो है एटमोस्फेरिक कूलिंग टावर में ऐसा होता है कि इसमें जो स्टेप बाय स्टेप जो है हॉट वाटर की गिराया जाता है जिससे कूलिंग होती है ना। नेक्स्ट है लकड़ी कागज़ या कपड़े जैसे ठोस पदार्थों में के कारण लगने वाली आग को बुझाने के लिए किसका यूज होता है, तो वाटर का, ये भी करेक्ट ऑप्शन है, इसमें भी कोई वो नहीं है। नेक्स्ट है द वॉल्यूम ऑफ एयर डिलीवर बाई कंप्रेसर इज कॉल्ड, तो उसे कंप्रेसर कैपेसिटी कहेंगे, सही है। नेक्स्ट है इन कॉन्स्टेंट प्रेशर फिल्ट्रेशन, तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन डिक्रीज विथ टाइम, ये भी करेक्ट है, इसमें कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है इन अ पिटार ट्यूब वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू, तो स्क्वायर रूट ऑफ हेड डेवलप, क्योंकि वी इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh होता है, तो वहाँ पे स्क्वायर रूट हो गया उसका, तो एक तरह से वो भी सही है, कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ड्रमलेस वंस थ्रो स्टीम जनरेशन, तो ये सुपर क्रिटिकल स्टीम जनरेटर, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है फायर इज अ कम्बिनेशन ऑफ, तो फायर जो है ये भी करेक्ट है, फ्यूल हीट और ऑक्सीजन का है। नेक्स्ट है द टर्म मैग्नेटिक इफेक्ट द रिफरेंस द एक्सपोज द हजार्ड्स केमिकल मीन, तो इसका इफेक्ट ऑन जीन्स, ये भी एक तरह से मोटागेनिक है, मोटागेनिक हजार्ड्स जो आते हैं वो एक तरह से जीन्स को DNA को इफेक्ट डालते हैं। नेक्स्ट है